पेंशन स्कीम को समाप्त किया जाए और पुरानी पेंशन को लागू किया जाए। आपको मालूम होगा कि पूर्व के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हम शिक्षक कर्मचारियों को पेंशन से विमुक्त कर दिया, और उनको शर्म नहीं आई कि अपने जो नेतागण हैं, चाहे वो राज्यसभा सांसद हो चाहे हमारे विधान पार्षद हो, सबको वेतन पेंशन दिया जाएगा। लेकिन जो हम शिक्षक कर्मचारी हैं, जो देश के विकास के पहिए के रूप में जाने जाते हैं, इनको पेंशन से ख़त्म कर दिया जाएगा। हमारे 34,540 के शिक्षक जिनको वेतन मिलता है लगभग 70,000, हमारे बीच के बहुत साथी रिटायर भी हो गए हैं, उनको पेंशन मिल रहा है 3,500। कितनी शर्म की बात है, आप सोच सकते हैं कि जो शिक्षक अभी 70,000 वेतन उठा रहे हैं, और कल रिटायरमेंट के बाद 3,500 वेतन पेंशन वेतन लेंगे पेंशन ग्रुप में, तो उनका परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। पिछले 2 माह से पटना के गर्दनी बाग में बीटेट और स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और जो सरकार है वो उसके कान पर जू भी नहीं रेंग रहा है। आज जिस बैनर तले यहाँ पर शिक्षकों का जत्था इकट्ठा हुआ है वो है बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक के बैनर तले। ये तमाम टीचर जो हैं अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ये बक्सर के कमलदा पोखरा में एकत्रित हुए हैं। बाकी वो तमाम सवाल जो एक टीचर अभ्यर्थी से और शिक्षक से होनी चाहिए इनसे पूछेंगे, और थोड़ा सा कट्टू सवाल होगा, इसलिए एकदम साफ और स्पष्ट शब्दों में बता दीजिए कि किन मुद्दों के लेकर आप लोग प्रदर्शन पर बैठे हैं, ताकि जो देखने वाले दर्शक हैं वो समझ जाएं। मैं नसीम अहमद, जी राज्य सचिव बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गोप गुट। जी राज्य कमेटी ने निर्णय लिया है कि 25 सूत्री मांगों को लेकर आज 24 सितंबर को बिहार के हर जिलों में जिला शिक्षा पदाधिकारी के समक्ष, जिला पदाधिकारी के समक्ष हम लोग धरना देंगे, और ये जो हमारी मांग पत्र है मुख्यमंत्री के पास जाएगा। इसमें मुख्य मांग है नई पेंशन स्कीम को समाप्त किया जाए और पुरानी पेंशन को लागू किया जाए। आपको मालूम होगा कि पूर्व के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हम शिक्षक कर्मचारियों को पेंशन से विमुक्त कर दिया, और उनको शर्म नहीं आई कि अपने जो नेतागण हैं, चाहे वो राज्यसभा सांसद हो चाहे हमारे विधान पार्षद हो, सबको वेतन पेंशन दिया जाएगा। लेकिन जो हम शिक्षक कर्मचारी हैं, जो देश के विकास के पहिए के रूप में जाने जाते हैं, इनको पेंशन से ख़त्म कर दिया जाएगा, और इसके जगह पर नई पेंशन स्कीम शुरू किया गया है। नई पेंशन स्कीम को तो अब क्या यहाँ फॉल्ट है सर, जो नई पेंशन फॉल्ट ये है सर नई पेंशन स्कीम में कि अभी हमारे 34,540 के शिक्षक जिनको वेतन मिलता है लगभग 70,000, हमारे बीच के बहुत साथी रिटायर भी हो गए हैं, उनको पेंशन मिल रहा है 3,500। कितनी शर्म की बात है, आप सोच सकते हैं कि जो शिक्षक अभी 70,000 वेतन उठा रहे हैं, और कल रिटायरमेंट के बाद 3,500 वेतन पेंशन वेतन लेंगे पेंशन ग्रुप में, तो उनका परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। बहुत क्रिटिकल हो जाएगा, बहुत क्रिटिकल होगा सर। दूसरी मांग है कि हमारे बिहार राज्य में जो लगभग 4,80,085 करीब नियोजित शिक्षक हैं, उनको एक छोटा झुझना के रूप में वेतन दिया जाता है, जिसको टॉफी के रूप में हम जैसे बच्चों को बजाते हैं, इनको बहुत कम वेतन दिया जाता है, और वो भी वेतन ससमय नहीं दिया जाता है, 3 महीना 4 महीना के बाद। मतलब समान काम के बदले समान वेतन नहीं मिल रहा है, समान काम के समान वेतन तो दूर है, अभी ससमय वेतन नहीं दिया जा रहा है, और हम लोग मांग कर रहे हैं कि इनको भी राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाए। राज्य कर्मी का दर्जा मिलेगा तो समान काम का समान वेतन और सारी की सारी वो सुविधाएं मिलेगी जो हमारे पुराने शिक्षकों को मिलेगी। और आप ये जान लीजिए, और मैं आपके माध्यम से ये लोगों के बीच कहना चाह रहा हूँ कि राज्य कर्मी का मांग सबसे पहले बिहार में बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गोप गुट ने ही उठाया, जबकि अन्य 32 संगठन समान काम समान वेतन के लिए लड़ रहा था। जब उनको जानकारी हुई कि प्राथमिक शिक्षक संघ गोप गुट राज्य कर्मी का बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है, तो वो लोग भी अपने मांग में अब राज्य कर्मी का दर्जा जोड़ दिए। तीसरा मांग है कि जो MDM प्रधानमंत्री पोषण योजना के नाम से जिसको अब जाना जा रहा है, उससे शिक्षकों को
मुक्त किया जाए। आप लोग जानते होंगे कि MDM के चलते हमारी पढ़ाई बहुत ही डिस्टर्ब होती है, बाधित होती है, कोई ना कोई सारे शिक्षक उसमें लीन हो जाते हैं। अगर कहीं फाल्ट होता है तो ये हम निरीह शिक्षक ग्रामीणों से, अधिकारियों से प्रताड़ना के शिकार होते हैं, इसलिए पढ़ाई बाधित होती है।